बहुत बार जब हम किसी लड़ाई में पड़ते हैं तो हमें लगता है उफ यार इसमें क्यों पड़े यार, फालतू का आर्ग्यूमेंट था, कुछ मिला नहीं। कभी भी किसी भी लड़ाई को शुरू करने से पहले अगर आप ये पांच चीज़ें ध्यान कर देंगे तो वो लड़ाई कभी भी गलत नहीं जाएगी और नेगेटिव नहीं पड़ेगी। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स टू लुक ऑन बिफोर गोइंग इन टू एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट यूजली हम सब के साथ लगा रहता है, हम किसी को कुछ कह देते हैं, कुछ बोल देते हैं, बाद में लगता है इतनी बड़ी बात नहीं थी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरह का आर्ग्यूमेंट गुड है और बैड है, मैं आज अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। मैं आज आपको वो टिप्स देने वाली हूँ जो आपने समझने हैं अगर आप किसी तरह की लड़ाई शुरू करने वाले हैं या किसी से लड़ने वाले हैं या आपको लगता है ये आर्ग्यूमेंट ज़रूरी है, इस तरह की एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। कुछ बता रही थी कि अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट शुरू करने वाले हैं तो किस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी आर्ग्यूमेंट को शुरू करने से पहला टिप समझे, मैं ये आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहा हूँ। खुद से एक क्वेश्चन पूछे, क्या ये आर्ग्यूमेंट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये जायज़ लगता है, इसके अंदर फैक्ट्स हैं, ऑनेस्टी है, लॉयलिटी है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कई लोग आर्ग्यूमेंट में सिर्फ इसलिए पड़ते हैं क्योंकि वो दूसरे के आगे धौंस जगाना चाहते हैं या उसे लगता है कि मैं उससे लड़ूंगा तो उसको मेरी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपका आर्ग्यूमेंट एक्सप्लेनेबल है, आप आर्ग्यूमेंट इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि उसमें फैक्ट्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ गुड आर्ग्यूमेंट। अगर वो गुड आर्ग्यूमेंट है तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ अपनी ईगो है, सिर्फ आपका गुस्सा है, सिर्फ आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं सही हूँ और तू गलत है, तो ये बैड आर्ग्यूमेंट है। जब बैड आर्ग्यूमेंट बढ़ता जाता है, जब आपको उसका रीज़न नहीं पता होता, सिर्फ अपना गुस्सा या अपने इमोशंस के लिए उसे कर रहे होते हैं, मुझे गुस्सा आया, मैं इमोशनल हूँ, उसने मेरे साथ गलत किया, आउट ऑफ रिवेंज मैं कर रहा हूँ, तो इस तरह का आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली बैड आर्ग्यूमेंट है। और ऐसा आर्ग्यूमेंट करने से आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पेन होगा, आपका रिलेशनशिप छूटेगा और लोग आपके लिए डेफिनेटली एक गलत इमेज बनाने वाले हैं। तो किसी भी आर्ग्यूमेंट को शुरू करने से पहले ये क्वेश्चन ज़रूर पूछें कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कैसे अभी करना ज़रूरी है और ये करने के बावजूद ये गुड है या बैड है। अगली चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है किसी भी आर्ग्यूमेंट में जाने से पहले, वो ये कि क्या ये आर्ग्यूमेंट करने के बाद मैं रिग्रेट तो नहीं करूँगा, मैं पछताऊँगा नहीं। बहुत से लोग आर्ग्यूमेंट करने के बाद ये सोचते हैं कि यार मैंने क्यों लड़ाई की, फालतू में क्यों बात बढ़ाई, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। अगर आर्ग्यूमेंट करने के बाद आपको लग रहा है कि येस आई नॉट रिग्रेट, दिस इज़ इंपॉर्टेंट एंड द पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड इट, तो आपको वो आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। एक चीज़ और आपने आर्ग्यूमेंट में समझनी है, वो ये कि कभी भी आर्ग्यूमेंट करने के लिए तेज़ आवाज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो वो फाइट में चला जाता है। आर्ग्यूमेंट्स यूजली फाइटेबल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपकी आवाज़ बढ़ जाती है, आप झल्लाना शुरू कर देते हैं। अगर आप सच्ची में समझाना चाहते हैं और आपके आर्ग्यूमेंट में फैक्ट्स हैं तो आप प्यार से भी समझा सकते हैं। अगली चीज़ जो आपने आर्ग्यूमेंट में ध्यान रखनी है वो है टाइम। मैं मानती हूँ कि आप सही हो सकते हैं और दूसरा पार्टनर गलत हो सकता है, लेकिन अगर आपका आर्ग्यूमेंट हाथों हाथ होगा, बोलते हैं गर्म गर्म में कोई बात करी हो बात बहुत बढ़ जाती है, अगर आप उस चीज़ को समय दे सकते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं और कल उस बात को करेंगे तो वो ज़रूरी है। बहुत से आर्ग्यूमेंट जब आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आपको लगेगा कि इतने ज़रूरी ही नहीं है, इन पर बात करनी ज़रूरी नहीं है, लेट द पर्सन टेक टाइम। और अगर आपको लगता है कि आपके आर्ग्यूमेंट 100% ठीक हैं, उसमें फैक्ट्स हैं, उसमें रिलायबिलिटी है, तो करिए, लेकिन समय और रिग्रेट का बहुत सोच समझ के ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और जो मैं कहना चाहती हूँ आप तक पहुँचा है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और कोई भी और ऐसी वीडियो का टॉपिक है जो आपको लगता है मुझे शेयर करना चाहिए, मेरे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मैं डॉक्टर नेहा मेहता आपसे जुड़ी रहूंगी।